बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई ये दोस्तों, ये भाई एक होटल पे आए हैं। इन्होंने खाने का ऑर्डर किया है, अभी खाना आने वाला था। जैसे खाना आ गया तो मलकुल मौत आ गया, बंदे की रूह निकाल ली। देखिए मेरे भाई ये हमारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी का पता ही नहीं है। और हम देख लें एक दूसरे से कितनी नफ़रतें पैदा करते हैं, एक दूसरे से हसरतें पैदा करते हैं, एक दूसरे की जायदादों पे कब्ज़ा करते हैं, एक दूसरे से के साथ बुरा भला करते हैं। ये देखें अभी खाना आ गया, अब खाना टेबल पे वेटर ने रख दिया है। अब ये मोबाइल जिनके हाथ में है, अंकल से बैठे हैं, इन्होंने अभी खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अभी ये सेटिंग कर रहे हैं, ये बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। ये इनके साथ में बैठे हैं, यहाँ से उठ के दूसरे टेबल पे ये बैठ रहे हैं। देखिए आगे इनकी फैमिली भी बैठी है। अभी खाना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे भाई अल्लाह ताला ने मलक मौत को भेज के इनकी रूह निकाल दी है। देखें ये अभी से इनकी रूह निकलनी शुरू हो गई। ये देखें ये ज़िंदगी है। ये देखें सांस निकल गया। मेरे भाई ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सांस है तो आज चांस है। मौत से पहले पहले हम अल्लाह को राज़ी कर लें। अगर अल्लाह राज़ी हो गया हमारी दुनिया भी आखिरत भी बन जाएगी। साहबा ने दुनिया में रह के अल्लाह को राज़ी करके दिखाया था और दुनिया में अल्लाह उनसे खुश हो गया था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि ऐ साहबा मैं आपसे राज़ी हूँ, आप मुझसे राज़ी हो जाएं। अब देखें ये भाई की रूह निकल गई। अब खाना इधर का इधर रह गया है, सारी फैमिली इनको उठा रही है। तो मेरे भाई ये हमारी ज़िंदगी है, इसलिए अक्लमंद शख्स वो है मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करे। अगर आज हम अल्लाह को राज़ी करके चले, अल्लाह की कसम मौत के बाद की ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। राहत ही राहत होगी, आसानी आसानी होगी। अगर हमारी ये ज़िंदगी ना गुजरी तो आगे ज़िंदगी मुश्किल है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक